कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। आखिर चीनी जनता कितने दिनों तक सहती? अचानक से क्यों कहा जाने लगा है कि बीजिंग को बचाने के लिए हिबई को, झाओ को डुबोया जा रहा है? आखिर बीजिंग में ऐसा क्या है जिसके बाद भड़की हुई जनता ने क्लास लगा दी है सीसीपी? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चाइना को अरबों डॉलर का झटका दे दिया है प्रकृति ने। और इन सब के बीच में चाइना के तरफ से अपने अधिकारियों को क्या आदेश दिया गया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक मैप दिख रहा है, ये मैप है बीजिंग का, और बीजिंग से ठीक नीचे आप देखेंगे तो हिबई का। हिबई जैसे छोटे छोटे और भी यहाँ पर शहर हैं, और ये शहर इस वक्त बुरी तरीके से बेहाल हैं। बेहाल इसलिए हैं क्योंकि बाढ़ का पानी इन्हें तबाह करके रखे हुए है। करीब करीब कहा जा रहा है 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा चुका है। ऊपर से हुआ ये है कि तूफान डाकसुरी के जाने के बाद यहाँ पर भूकंप भी शुरू हो चुका है। लोग परेशान हैं बुरी तरीके से। चाइनीज जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है, और परेशानी में कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि आप बीजिंग को बचाने के लिए हमें क्यों डुबा रहे हो, ये तो बेहद गलत है। अब बीजिंग को बचाने का क्या कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आ रहा है, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है बीजिंग को? पहली बात आपको बता दें कि जो हुबई है, इस हुबई में बहुत ज्यादा बाढ़ है, और यहाँ के जो कमिश्नर हैं, सीसीपी के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, हम बीजिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजिंग को बचाने के लिए हम बाकी इलाकों को, चाहे वो झोऊ झोऊ हो या फिर और कोई इलाका ही क्यों ना हो, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी यही है कि हमें बचाना है इन क्षेत्रों को। वैसे आपको बता दें, ये एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर हेबई प्रांत का है। हुआ ये है कि जब बीजिंग से पानी को छोड़ा जा रहा है तो यहाँ कचरा कुछ इस तरीके से लग गया है नदियों में। बीजिंग से ठीक नीचे हिबई और झूझू, इनकी क्या हालत है, ऐसे समझिए कि बहुत सारे दुकानदार जिनका लाखों का नुकसान हो चुका है। एक बुक पब्लिशर हैं जिनका कहना है कि उनकी 3.5 मिलियन डॉलर की किताबें 1 घंटे के अंदर तबाह हो गई। स्थिति झोझो की, हिबई की बेहद खराब है। और ये वैसे तो ये जो बाढ़ आया है, इस बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चाइना को खुद $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कहा जा रहा है कि चाइना ने इस तरीके की तबाही और इस तरीके का नुकसान पहले कभी नहीं देखा था, जो नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है। आर्थिक तौर पर जो प्राकृतिक डिजास्टर्स हो रहे हैं उससे $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है चाइना को। चाइना की गवर्नमेंट जो पहले से ही बहुत मुश्किलों से घिरी हुई है, क्योंकि 3 साल से जो उसने जीरो कोविड नीति का पालन करने की कोशिश की, उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो सेविंग थी वो सेविंग पहले ही खर्च हो चुकी है, और अब इस खर्च हुई सेविंग के बीच में इस तरीके के हालात बन रहे हैं, बाढ़ आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये उनके लिए कुछ ऐसा है जैसे बहुत बैड टाइमिंग हो इन चीजों की आने की। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस वक्त महामारी के बाद रिकवरी करने के बजाय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। वैसे आपको बता दें, लोगों का आरोप ये है कि ये जो डिजास्टर्स हैं, ये और भी ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि कैसे हैंडल करना है। कहने का अर्थ ये हो गया कि लोगों पर दोष भी दिया जा रहा है। ऊपर से जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पहले
आयरन के अयस्क मंगवाते थे ऑस्ट्रेलिया से ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिश्ते थोड़े खट्टे हुए हैं और इस दौरान हमने काफ़ी चीज़ों में टाइट कर दिया है और अब तो हमारा बजट भी टाइट हो रहा है। इनका कहना है कि जुलाई महीने में जो तूफान आया था उस तूफान से अकेले हमारा 2.61 बिलियन युआन का लॉस हुआ। सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट करने में हमारे इतने पैसे खर्च हो गए। उसकी तुलना में डॉक्सुरी की बात करें तो डॉक्सुरी से 3.15 बिलियन डॉलर जुलाई तक में हमारा बर्बाद हो चुका है और ये अभी और चलने वाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कटिंग जिसमें इतने डॉलर बर्बाद होने की बात कही गई है चाइना के द्वारा। वैसे आपको बता दें, एक तरफ तबाही है और दूसरी तरफ चाइना के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं सीसीपी के, वो बैठक कर रहे हैं और किसी वेकेशन पे हैं। कोई फोटोग्राफ्स नहीं दिया गया है, कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन जहां एक तरफ बाढ़ से हालात बेहाल हैं तो वहीं जिनपिंग के ये अधिकारी किसी जगह पे छुट्टियां मना रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चाइना तो ये कह रहा है कि हम 432 मिलियन युआन लगा रहे हैं फ्लड रिलीफ फंड में, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजिंग की वजह से हिबई तबाह हो रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पुराने समय में होता था ना, किले वगैरह को सुरक्षित करने के लिए आसपास पानी का वातावरण तैयार कर दिया जाता था, यानी बीच पानी में एक किला को खड़ा कर दिया है, कुछ इस तरीके से संरचना बनाई जाती थी। अब इससे क्या होता था कि किले में हमला करने से पहले पानी के रास्ते को पार करना पड़ता है, तो ऐसे में किले की सुरक्षा हो जाती थी। बीजिंग का निर्माण कुछ इस तरीके से ही किया गया है। बीजिंग के चारों तरफ पानी के इस तरीके के रिजर्व बनाए गए हैं कि चारों तरफ पानी हो और बीच में बीजिंग हो। बीजिंग में चूंकि बड़े बड़े अधिकारी से लेकर खुद चाइनीज राष्ट्रपति सी जिनपिंग का भी आवास है, तो ऐसे में इसे ज्यादा सुरक्षा देने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। अब हो ये रहा है कि बीजिंग में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। बीजिंग में जब पानी आ रहा है तो बीजिंग से इन पानी को छोटे इलाकों में, जो निचले इलाके हैं, उन इलाकों में आराम से छोड़ दिया जा रहा है। बड़ी बेशर्मी से इनके नेता ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमने ही ऑर्डर दिया है और हमारा टॉप प्रायोरिटी है पहले तो बीजिंग को बचाना और दूसरा टॉप प्रायोरिटी है जो जिनपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बचाना, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। खैर, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग भड़क भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप जो ये सारा कुछ कर रहे हो ये गलत है, पर कहते हैं जहां तानाशाह होते हैं वहां इतनी आसानी से कोई भी चीजें जनता के अनुसार तो बिल्कुल नहीं होती हैं। खैर, अगर ऐसा कुछ हमारे देश में हुआ रहता तो अभी तक तो बवाल खड़ा हो जाता। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।